तो 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला भी एक राजनीतिक मामला बनता जा रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। अनुसंधान अपने जगह पे लॉजिकल एंड तक जाएगी, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। छले हुए मोबाइलों में है संसद कांड का पूरा राज। आखिर ललित झा के पीछे असली चेहरा कौन है? क्या इस असल चेहरे का राज भी जले हुए मोबाइल में ही है? आखिर नीलम, अमोल, मनोरंजन और सागर को संसद के अंदर जाकर हंगामा खड़ा करने और संसद का सुरक्षा चक्र तोड़ने के लिए किसने प्रेरित किया? क्या इसकी भी पूरी जानकारी जले हुए मोबाइलों में ही है? अगर कई महीनों से संसद के अंदर उपद्रव करने की यह साजिश रची जा रही थी तो इसका मतलब साफ है कि इन सभी मोहरों के पीछे कोई ना कोई बड़ा चेहरा जरूर है, क्योंकि संसद के अंदर घुसकर स्मोक स्प्रे का इस्तेमाल कर पूरे देश को हैरान करने की इतनी बड़ी साजिश किसी संगठन के आम कार्यकर्ता के बस की बात नहीं है। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से सच उगलवाने में लगी है, तो वहीं इस मामले के मास्टरमाइंड ललित की पूरी कुंडली भी खंगाली जा रही है। यही नहीं, इस मामले पर अब जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी और बीजेपी के बीच अब ये मुद्दा सिर्फ संसद की सुरक्षा में चूक या शांति व्यवस्था को भंग करने या अशांति पैदा करने का ही नहीं है, ये सिर्फ संसद में उपद्रव का मुद्दा नहीं है। अब राहुल गांधी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या इस राजनीतिक मुद्दे को कांग्रेस पार्टी भविष्य में इस्तेमाल करना चाहती है। आखिर क्या है राहुल गांधी का वो बयान जिस पर बीजेपी का विरोध शुरू हो गया है? बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर क्या पलटवार किया गया है? ये सारे बयान आपको सिलसिलेवार आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे महेश की, क्योंकि पूरे मामले में सबसे ताजा गिरफ्तारी महेश की ही है। कौन है ये महेश और क्यों इसकी गिरफ्तारी को बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, इस पर पहले बात करेंगे। महेश की लोकेशन राजस्थान के नागौर में पाई गई थी और इस संसद कांड में महेश का रोल संसद कांड को अंजाम देने वाले सभी उपद्रवियों के लिए रहने का इंतजाम करना था। इतना ही नहीं, महेश वही शख्स है जिसने इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित झा के साथ मिलकर संसद कांड आरोपियों के मोबाइल भी नष्ट कर दिए हैं। मामले को आगे विस्तार से समझने के लिए एक बार फिर पूरी घटना को समझना पड़ेगा। दरअसल 13 दिसंबर को सागर और मनोरंजन नाम के दो आरोपी संसद के अंदर घुस गए थे और संसद में दर्शक दीर्घा से लोकसभा सांसदों के फ्लोर की तरफ कूदकर सीटों पर चढ़ गए थे। उसी वक्त संसद के बाहर भी स्मोक स्प्रे छोड़ा जा रहा था, यानी उस वक्त 13 दिसंबर को दो लोग संसद के अंदर उपद्रव मचा रहे थे, सागर और मनोरंजन, और तीन लोग संसद के बाहर मौजूद थे, नीलम, अमोल शिंदे और ललित झा। अब बड़ी बात यह है कि बेहद शातिर ललित झा मौके से फरार हो गया था और वो सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल शिंदे के मोबाइल लेकर फरार हुआ था। पूछताछ से पता चला है कि ललित झा ने इन चारों ही मोबाइलों को राजस्थान ले जाकर चला दिया है। जैसा कि आरोपी दावा कर रहे हैं कि ये मामला साधारण विरोध प्रदर्शन का है, तो आखिर मोबाइलों को जलाकर ललित झा और ये चारों आरोपी क्या छुपाना चाहते थे? दरअसल मोबाइल में ही इस पूरे मामले के बड़े राज छुपे हो सकते हैं और अब नष्ट हुए मोबाइलों के टुकड़ों से क्या कोई मदद मिल सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल ये उठता है कि क्या मोबाइल में कुछ संवेदनशील दस्तावेज थे जिसकी वजह से मोबाइल को जलाया गया? क्या मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स या कोई डिटेल सबूत मौजूद था जिसकी मदद से पूरे केस में मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सकता है, या कोई ऐसी जानकारी जो उस बड़ी मछली तक जांच एजेंसियों को पहुंचा सकती है? इतना ही नहीं, महेश वही शख्स है जिसने इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित झा के साथ मिलकर संसद कांड आरोपियों के मोबाइल भी नष्ट कर दिए हैं। इस फैन पेज का एडमिन कौन था?
इसकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन क्या इसी फैन पेज के माध्यम से लोगों को जोड़कर उपद्रव की साजिश रची गई, ये बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को कुछ सोशल मीडिया ऐप में ऐसे चैट भी मिले हैं जिसमें की क्रांति करने के दावे किए जा रहे हैं। क्या इस तरह की कथित क्रांति से देश में हिंसा या उपद्रव पैदा करने की कोई साजिश थी, ये जांच का विषय है। संसद के अंदर उपद्रव करने की पूरी साजिश बहुत गंभीर है, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर भी अपना एक अलग राजनीतिक नजरिया बना रखा है। राहुल गांधी को लगता है कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और इसीलिए संसद की सुरक्षा में चूक हो गई। क्या राहुल गांधी ने सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामले को अपने इस बयान से हल्का कर दिया है, ये बड़ा सवाल है। पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए, फिर दिखाते हैं कि बीजेपी ने इस पर क्या पलटवार किया है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना। वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब वैसे किसका कारण क्या होता है इसमें मैं क्या करूं? अब वो टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करेंगे। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें राहुल गांधी से कई कठिन सवाल पूछे गए हैं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, 11 अप्रैल 1974 आप ही की परिवार की सरकार थी, दो पिस्तौल लेकर, एक बम जैसी सामग्री लेकर कुछ लोग अंदर चले गए थे पार्लियामेंट की ही इसी पब्लिक गैलरी में, क्या आप मानते हैं, आप स्वीकारते हैं कि ये उस समय की सरकार की बेरोजगारी और महंगाई की वजह से वो चले गए थे? 26 जुलाई 1974, मतलब कुछ ही महीने बाद, एक व्यक्ति खंजर के साथ घुस जाता है पब्लिक गैलरी में। क्या राहुल गांधी स्वीकार रहे हैं कि उस समय की सरकार की जो बेरोजगारी और महंगाई की दर थी वो चरम पर थी, तो इसीलिए खंजर लेकर कोई घुस गया था? अगर इस पूरे मामले पर गौर करें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि ये आरोपी कहीं ना कहीं एक खास विचारधारा से जुड़े हुए नजर आते हैं। ये एक ऐसी विचारधारा है जो देश के अंदर बीजेपी का कट्टर विरोध करती है। संसद के बाहर स्मोक स्प्रे के जरिए विरोध करने वाली नीलम नाम की महिला से जुड़े ऐसे कई खुलासे हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि ये लोग खास संगठनों के सक्रिय कार्यकर्ता नजर आते हैं। नीलम का एक ऐसा बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो सरकार का विरोध कर रही है। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है। अब दिल्ली पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि क्या नीलम किसी संगठन की एक सक्रिय कार्यकर्ता है या फिर चरमपंथी विचारधारा से भी प्रभावित है। नीलम के और कई वीडियो वायरल हैं जिसमें कि वो किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी नजर आ रही है। पूरे मामले में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 13 दिसंबर को ही संसद में उपद्रव करने के लिए दिन क्यों चुना गया? 13 दिसंबर वो तारीख है जब पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन ने भारत की संसद पर हमला करवाया था। तो क्या 13 दिसंबर को उपद्रव करने के पीछे मकसद ये था कि तमाम आरोपी 13 दिसंबर की घटना से काफी प्रभावित थे? अगर इन लोगों को सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही करना था तो ये लोग किसी और तारीख को भी चुन सकते थे, लेकिन 13 दिसंबर को ही विरोध प्रदर्शन की तारीख के रूप में चुनना देश के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का संकेत भी करता है। जैसे ही इन परपेट्रेटर्स के तार, इन पार्लियामेंट सिक्योरिटी के ब्रीच करने वाले इंट्रूडर्स के तार, जैसे ही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी समर्थित कुछ उग्रवादी रेडिकलाइज्ड वामपंथी संगठनों से जुड़ते जा रहे हैं, तो ठीक वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में उतर आ रही है। कुल मिलाकर 13 दिसंबर 2023 का यह संसद कांड साबित करता है कि यह सामान्य मामला नहीं है और इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड जरूर है जिसने कि इन सभी लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है।